नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ पर्सनल कारण था, इस वजह से चलिए आज वीडियो को देखते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 57 होने वाला है, 57th होने वाला है, इसको देखते हैं, 20 क्वेश्चनों को और याद करते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, समर्थ अभियान की अवधि क्या है, मतलब वो कब से कब तक चली थी। 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023, 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023, 1 फरवरी 2023 से 25 दिसंबर 2023 या 1 मार्च 2023 से 25 अगस्त 2023। अगर आप किसी को आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए, वीडियो देखते ही देखते, ठीक है। नहीं पता तो मैं तो बताऊंगा ही। तो समर्थ अभियान की अवधि जो थी वह 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। यह अभियान भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजादी का अमृत महोत्सव के विजन से शुरू किया गया था, उसके अनुरूप था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एनआईसी का मुख्यालय कहाँ है। पिछले वीडियो में हमने एनआईसी के बारे में बात की थी, एनआईसी डेटा पूरे भारत का जो है उसके पास होता है। एनआईसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हमारे सामने, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और मुंबई। तो आपको पता होगा कि एनआईसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, जिले और अन्य सरकारी निकाय को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी सरकारी साइट खोलते होंगे मैक्सिमम, तो उसके नीचे लिख के आता है एनआईसी। तो एनआईसी द्वारा ही वो मतलब प्रायोजित होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो चलाए जाते हैं, वही डेटा हैंडल करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सीएससी सामान्य सेवा केंद्र कब अनुमोदित किया गया था। ऑप्शन है मई 2006, अप्रैल 2006, जून 2006 और अगस्त 2006। तो सामान्य सेवा केंद्र राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के एक रणनीतिक आधारशिला है, जिसे मई 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। कब किया गया था? सरकार द्वारा मई 2006 में सामान्य सेवा केंद्र को अनुमोदित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक सीएससी 2 बार चलाया गया, एक बार पहले, एक बार फिर बाद में चलाया गया जब मोदी गवर्नमेंट आई, नए रूप से उसे चलाया गया, मतलब कुछ अलग उसमें जोड़कर लॉन्च किया गया। तो सीएससी 2.0 का प्रारंभ किया गया था 2018 में, 2015 में, 2019 या 2021 में। तो सीएससी मतलब सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसमें देश के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार किया गया है। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएससी की परिकल्पना की गई है। मतलब जो भी देश की बात तो हो ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत, जो पंचायत सचिवालय बना हुआ है, पंचायत भवन बना हुआ है, उसमें सीएससी की स्थापना की परिकल्पना की गई है, हर गांव, हर ग्राम पंचायतों में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सीएससी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन है। 4 ऑप्शन है, उसको देखना है क्या इसके बारे में सही है। प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, बिल्कुल सही है। मांग पर शासन और सेवाएं, बिल्कुल सही है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, यह भी सही है। इसलिए जो ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त, सभी डिजिटल इंडिया के तहत जो सीएससी लॉन्च की गई है, इन सबका एक विजन है, उद्देश्य है इस रूप से नागरिकों का मदद करना, जो भी शासन की सेवाएं हैं उनको उनके पास तक पहुंचाना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 23 मई 2023 तक पूरे भारत में कार्यात्मक सीएससी की कुल संख्या कितनी है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा।
तो अभी जब आपका एग्जाम जब भी होगा बीपीओ का, तो उस समय डेटा और भी चेंज हो सकता है। तो अभी जो 23 मई 2023 तक था वो 521,150 सीएससी पूरे भारत में चल रहे थे, लेकिन जब हमारा परीक्षा होगा तो पूछ सकता है जनवरी तक, दिसंबर तक या 2023 खत्म होते होते कितने सीएससी थे, तो उस प्रकार से हमें उन्हें याद करना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में ई मंडी से कितनी मंडियां समितियां संबद्ध हैं? 251, 250, 230 या 271? तो उत्तर प्रदेश ई मंडी से 251 मंडी समितियां संबद्ध रखती हैं। ई मंडी का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां मंडी की प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीक का अधिकतम प्रयोग एवं मानवीय हस्तक्षेप को न्यून करते हुए मंडी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। तो कितने ई मंडी संबंध हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश से 251। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2002 में, मई 2002 में या मार्च 2002 या जुलाई 2001 में? तो किसान कॉल सेंटर की शुरुआत अप्रैल 2002 में किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका आरंभ कृषि और सहकारिता विभाग और कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान अपने फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे कि कौन सा फसल अच्छा होगा, मिट्टी की जांच करानी हो, कुछ भी करानी हो, इस माध्यम से किसान कॉल सेंटर के माध्यम से वो करा लेते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में या वर्ष 1999 में? तो ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2000 में हुआ था। अब समझते हैं ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना क्या है। तो इस परियोजना का उद्देश्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से गरीबी राहत कार्यक्रमों को कार्य क्षमता का अवलोकन करने में सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना के हिसाब से जितने भी गरीब रह रहे हैं उनको किस प्रकार से राहत दिया जा सकता है, सरकार इसके बारे में अवलोकन करती थी, सर्वे करती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे, आपने चौपाल का नाम सुना होगा, जहां 4-10 लोग बैठ के बात करते हैं उसे गांव में चौपाल कहते हैं। तो ई चौपाल कब शुरू किया गया? जून 2000 में, मई 2000 में, जनवरी 2000 में या इनमें से कोई नहीं? ई चौपाल की जो शुरुआत है वह जून 2000 में किया गया था। कब किया गया था? जून 2000 में किया गया था। इस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ई चौपाल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना था, इसलिए ई चौपाल की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला है, ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2018 में, 2019 में, 2020 में या 2021 में? तो ई पंचायत मिशन की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत ग्राम पंचायत के कामकाज में दक्षता में सुधार के लिए ई पंचायत मिशन की शुरुआत की गई थी सन 2018 में। ठीक है, जब योगी की गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम यह शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कौन कौन से सही है। तो पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस करना है। तो यह बिल्कुल सही है, जो भी नई जानकारी है ग्रामीण भारत के बारे में उन्हें ऑनलाइन माध्यम से तुरंत के तुरंत उन्हें जानकारी से लैस कराना है। दूसरा ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है। तो यह इसका ई पंचायत, ई से मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक का, तो ई पंचायत के माध्यम से हम गाँव के ग्राम पंचायत को जितने भी काम है वो कंप्यूटर के माध्यम से वहीं पंचायत भवन पंचायत सचिवालय में बैठे बैठे कर सकते हैं। तीसरा है, इसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.45 लाख पंचायतों की आंतरिक प्रवाह को स्वचालित करना है। तो यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त, सभी ए बी सी तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही है, उपयुक्त सभी।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? 6 राज्य, 10 राज्य, 7 राज्य या 5 राज्य? तो 7 राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ई पंचायत पूर्ण रूप से स्थापित है। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था नहीं लागू है? ऑप्शन हमारे सामने गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड। तो झारखंड में अभी तक ई पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हुई है, ठीक है। और आपको बता दूं, जो 7 राज्य हैं जिनमें पूर्ण रूप से ई पंचायत लागू हो चुका है, और कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गोवा है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में अभी कार्य प्रगति पर है, सब गाँव को कंप्यूटरीकृत के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं किससे संबंधित है। ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार से, या ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई पंचायत मिशन लोड परियोजना का संबंध है ग्रामीण को सशक्त बनाना और उनको रूपांतरित करना, उनके व्यवहार में रूपांतरित करना, उनके पर्सनालिटी में रूपांतरित करना ही ई पंचायत मिशन मोड का परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? 11, 16, 10 या 15? तो MOPR ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की शुरुआत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना शुरू की है। इसमें 11 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोग शामिल हैं। कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो आप कहेंगे 11 अनुप्रयोग शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, PRIA सॉफ्ट, पंचायत राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर, पी से पंचायत, आर से राज, आई से इंस्टीट्यूट और ए से अकाउंटेंट लेखा जो है, उसका सॉफ्टवेयर क्या लाभ है? इसका शॉर्टकट फुल फॉर्म आपने दोनों देखा, इसका क्या लाभ है? ऑप्शन हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का डेवलप किया गया है। सॉफ्टवेयर किस लिए किया गया है? उनके खातों पर प्रभावी रूप से ढंग से नजर रखने के लिए, पंचायतों के विश्वसनीयता को बढ़ाता है, निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों को क्षमता को बढ़ाता है, और ऑनलाइन घर बैठे या ऑफिस बैठे सभी चीजों को देख सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन हमारा डी है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर के ABC तीनों ऑप्शन एकदम इस सॉफ्टवेयर के लिए जो लाभ है वही बताया जा रहा है तीनों ऑप्शनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक लक्ष्य ई ग्राम स्वराज का नहीं है, जिसमें केंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, कार्य आधारित लेखांकन या पारदर्शिता। तो केंद्रीकृत योजना जो है वह ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला ऑप्शन जो हमारा केंद्रीकृत योजना है, यह ई ग्राम स्वराज योजना का लक्ष्य नहीं है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का क्या कार्य है, उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने का पोर्टल है, दूसरा है स्थानीय चुनाव में जागरूकता के लिए बनाया गया पोर्टल है, या ए और बी दोनों, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना और स्थानीय चुनाव में जागरूकता पैदा करना, या राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य यह है कि इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का मुख्य कार्य यही है कि जो भी स्थानीय निकाय द्वारा कार्य किए जा रहे हैं
उनकी सेवाओं को जनता तक ग्रामीणों तक प्रदान करना ही राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का मुख्य कार्य है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से जरूर करें, और कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट कर पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।